हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं खुशी एंड आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी। एंड अभी हम जा रहे हैं मंदिर एंड मैंने बनाया ये लुक सून जो कि मैं यहाँ साइड में लगा दूँगी, देख लीजिएगा। एंड सो ये दीदी वंदना दीदी, अंजलि दीदी एंड इधर भी अपने लोग हैं। सो ये रहे हम। सो गाइस, मैंने मंदिर में ज़्यादा व्लॉग नहीं करा क्योंकि व्लॉगिंग करना कैमरा अलाउड नहीं था, बट मैंने ये सब शूट किया। एंड ये ब्लू सूट में मेरी बड़ी मम्मी है एंड ये ग्रोथ है, आप भी ले लीजिए, थोड़ी सी आप पर कृपा बनी रहेगी। एंड ये गाइस बहुत अच्छा लगता है ना ऐसा जब मंदिर कहीं जाते हैं, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। एंड यहाँ पर हम ना प्रसाद की लाइन में लगे हुए हैं गाइस। अभी हम हैं शीतला माता मंदिर में एंड ये दीदी एंड ये है यहाँ की सारी वाइब्स, मस्त वाइब्स है बिल्कुल। एंड पूरा चेंज हो चुका है, ये सारा ना मंडल हॉल वगैरह, यहाँ पर सारी माताएं थी, सारे भगवान थे। एंड ना गाइस अभी ना पूरा बदला हुआ है मंदिर, क्योंकि अभी ना यहाँ पर काम चल रहा है। एंड ये भैरव बाबा की तस्वीर है एंड ये जिन्होंने ये जो कुर्ता है ब्लैक एंड वाइट, ये मेरी दीदी है। एंड ये भैरव बाबा की जो है वो थी एंड ये रेड कुर्ते में मेरी दीदी है अंजलि दीदी। एंड ये मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं तो भी कभी शायद मेरे भैया कर रहे हैं जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं वहाँ पर गई हुई थी। अभी मैं आपको दिख भी जाऊँगी। एंड मैं आ गई हूँ ये पुलका डॉट सूट में, मैंने हाई भी बोला है आप लोगों को, तो मैंने ये आउटफिट का बताना कैसा लगा है। ये मेरे भैया है, मेरे भैया कैसे लगे ये बताना। एंड गाइस ये जो मिट्टी है ना, इससे मैं शायद मिट्टी खोदनी होती है 7 बार एंड उसमें सिक्का दबाना होता है। सो यहाँ पर ये हमारे सब यही कर रहे थे, मैंने भी करा था वो, उसकी वीडियो मेरे पास है नहीं, सो सॉरी। एंड मंदिर ना बन रहा है तो अभी ना बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिए, वरना मंदिर तो गाइस बहुत बड़ा है। एंड ये मन्नत का घर बनाने का है यहाँ पर। एंड ये नौका है शेरावाली। एंड ब्लॉग बहुत कम हुआ था और इसके बाद ना गाइस हम यहाँ से जा रहे थे छोटी माता के मंदिर, क्योंकि बड़ी माता के बाद हमेशा हम छोटी माता के मंदिर जाते हैं। एंड मैं यहाँ पर अपने सारे बहन भाइयों को दिखा रही हूँ। सो ब्लॉग ना बहुत कम हुआ था और गाइस हमें छोटी माता पे लगभग 1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ा था, इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं करा था। एंड गाइस हालत ना बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी लाइन में लगकर, बट जो गाइस मंदिर जाने के बाद वाइब्स होती है ना वो बिल्कुल अलग ही होती है, इसलिए 1.5 घंटा लगा, बट कोई नहीं, हमारे दर्शन तो पूरे हो ही गए थे। तो गाइस ये ना एक वीडियो मुझे मिल गई थी छोटी माता मंदिर जाते हुए। एंड पैदल जा रहे थे हम नंगे पैर, लोग रिक्शे से भी जाते हैं बट हम पैदल जा रहे थे। एंड ये कुछ ये थोड़ी सी वीडियो थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। सो गाइस अब हम आ चुके हैं घर एंड टाइम हो रहा है 8:30 रात के एंड हम आए थे 7:30 बजे घर पे। एंड मंदिर से आने के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं करा था क्योंकि शीतला माता मंदिर के बाद हम छोटी माता मंदिर गए थे एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। हाँ तो गाइस हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, मतलब अप्रॉक्स हमें अप्रॉक्स गाइस 1.5 घंटा लग गया था लाइन में लगे। एंड जब हम वापस आए और फिर वहाँ पे फ़ोन अलाउड भी नहीं था शीतला माता मंदिर में, तो मैंने फिर भी थोड़ा सा वीडियो बना ली थी। एंड छोटी माता मंदिर पे था भी नहीं। एंड वहाँ से आने के बाद गाइस बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, और गाइस उसके बाद ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी वीडियो बनाने मतलब व्लॉग करने के आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। एंड अभी भी हम 3 घंटे का सफ़र कर आए हैं तो अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली जो है ना थकावट हो रही है। एंड जो है खाने में बन रही है खिचड़ी एंड वहाँ पे हमने खाए थे छोले भटूरे एंड आलू की सब्ज़ी एंड कोई पूड़ी थी, आई डोंट नो कौन सी, मैं भूल गई। एंड घर आ चुके हैं, सब आ चुके हैं एंड बस अभी फ़िलहाल यही है। अब हम और कहीं जाते हैं तो आपको दिखते हूँ। एंड अगर मेरा आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब मैं मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।